सो किंगडम फंजाई जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको यहाँ पे हम एक टेबुलर फॉर्म में उसको क्लासीफाई करके देखते हैं कि काफ़ी सिंपल फॉर्म में है और 100% एनसीईआरटी में है ये, ठीक है। तो जो बेसिक क्राइटेरिया है जिसमें कि किंगडम फंजाई को ये डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ये कौन कौन से, पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है टाइप ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कैसा है उसका, यानी कि ए सेक्सुअल स्पोर है या सेक्सुअल स्पोर है, फिर उसमें डाइक्रोनिस्टिस है या नहीं, फिर उसमें फ्रूटिंग ब्रिटिस प्रेजेंट है या एबसेंट है, इस पर देखते हैं। तो जो सबसे पहला हमको देखना है यहाँ पर माइसीलियम को देखना है, जो माइसीलियम है मेरा, माइसीलियम पर क्या होता है, माइसीलियम जो होता है नेटवर्क ऑफ हाइफी को बोलते हैं माइसीलियम, यानी कि बहुत सारे ऐसे हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। सो माइसीलियम जो है ये एसेप्टेट, एसेप्टेट यानी कि अगर माइसीलियम में कोई क्रॉस वाल नहीं है, यानी कि अगर माइसीलियम मेरा ऐसे मल्टी न्यूक्लेटेड साइटोप्लाज्मिक कंडीशन में है उसको बोलते हैं एसेप्टेट और सिनोसिटिक बोलते हैं। बाकी एस्कोमाइसिटिस के अंदर जो है सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। सेप्टेट का मतलब हो गया कि क्रॉस वाल प्रेजेंट है, ऐसी क्रॉस वाल प्रेजेंट है और ये ब्रांच्ड होगा। बेसिटोमाइसिटी में सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। ड्यूट्रोमाइसिटी में भी सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। अब स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जो है दो टाइप का होगा, सेक्सुअल स्पोर हो सकता है और एसेक्सुअल स्पोर हो सकता है। तो इसमें ये देखना होता है कि इस स्पोर फॉर्मेशन जो है ये इंडोजिनस हो रहा है यानी कि फ्रूटिंग बडीज के अंदर हो रहा है या एक्सोजिनस है यानी कि फ्रूटिंग बडीज के बाहर हो रहा है। तो पहले देखते हैं एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर जो है फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो है वो दो हैं, जू स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर। जू स्पोर जो है इसमें जू, जू मतलब होता है मोटाइल, यानी कि ये मोटाइल होगा इसको बोलेंगे प्लैनोस्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर जो है नॉन मोटाइल है इसको बोलेंगे ए प्लैनोस्पोर, और ये इंडोजिनसली होगा यानी कि फ्रूटिंग बडीज के अंदर फॉर्म होगा। एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो स्पोर है मेरा एसेक्सुअल स्पोर वो है कोनिडिया। तो कोनिडिया बहुत फेमस स्पोर है जो कि मोस्टली पाया जाता है फंगी में, कोनिडिया ही पाया जाता है। ये नॉन मोटाइल होता है यानी कि ए प्लैनोस्पोर होगा। कोनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजेनस होता है यानी कि फ्रूटिंग बडीज के बाहर होता है ऑन माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोनिडिया का फॉर्मेशन जो है कहाँ पर हो रहा है, एक्सोजेनस होता है ऑन माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गेन भी एब्सेंट होता है। तो फिर प्लाज्मोगेमी कैसे होगा, तो प्लाज्मोगेमी इज बाई वेजिटेटिव एंड सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से होता है ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन एंड जीनोटाइप। प्लाज्मोगेमी जो है फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स से होता है जो कि डिफरेंट स्ट्रेन और डिफरेंट जीनोटाइप के होते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया है। कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होगा, एक्सोजिनस होगा ऑन द माइसीलियम कोनिडियोफोर। तो एस्कोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोनिडिया है, बेसिडोमाइसिटीज में एब्सेंट है, और फाइकोमाइसिटीज में दो है, जू स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर। अब देखते हैं सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर जो है फाइकोमाइसिटीज के अंदर दो सेक्सुअल स्पोर है, ऊ स्पोर एंड जाइगो स्पोर। ऊ स्पोर का फॉर्मेशन है ऊगैमिक होता है, जाइगो स्पोर का फॉर्मेशन जो है आइसोगैमिक होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है एनसीईआरटी में, ये दे रखा है कि जाइगो स्पोर इज डिप्लोइड इन नेचर। क्वेश्चन पूछ देगा जाइगो स्पोर इज हैप्लोइड और डिप्लोइड। देखो स्पोर तो हैप्लोइड ही होता है, लेकिन जाइगो स्पोर जो है ये फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स होता है। एनसीईआरटी में लाइन दे रखा है कि जाइगो स्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, यानी कि जब दो गैमिट्स के फ्यूजन से फॉर्म होगा यानी कि ये डिप्लोइड होगा और ये थीक वाल होगा। सो जाइगो स्पोर इज डिप्लोइड इन नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर है वो है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर इंडोजिनसली फॉर्म होता है इनसाइड द एस्कस, और ये एप्लैनोस्पोर है। आपको याद होना चाहिए कि प्लैनोस्पोर मतलब मोटाइल कौन सा है और नॉन मोटाइल कौन सा है। ये जो एस्कोस्पोर दिख रहा है ये एप्लैनोस्पोर है। बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज जो है म्यूसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। बेसिडोमाइसिटीज के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर है ये है बेसिडोस्पोर। कैसे फॉर्म होता है, बेसिडियम के अंदर म्यूसिस होता है और एक म्यूसिस से चार बेसिडोस्पोर रिलीज होते हैं, और ये एक्सोजेनसली फॉर्म होता है ओनली बेसिडिया। ये भी एप्लैनोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल है। देखो जो याद करने का तरीका ऐसे है कि एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर है यानी कि अंदर फॉर्म होगा यानी कि इंडोजिनस। बेसिडोस्पोर यानी कि बाहर यानी कि एक्सोजिनस, इसको ऐसे याद करेंगे। ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, इसलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं हम लोग इम्परफेक्ट फंगी, बिकॉज उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इम्परफेक्ट फंगी हो गया। डाइक्रोनिस्टिस की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है,
एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। डाइकोरियन स्टेज जो है मतलब डाइकोरियन स्टेज मतलब डाई मतलब दो कैरियो मतलब न्यूक्लियस यानी कि टू न्यूक्लियस पर सेल स्टेज, ये बेसिडोमाइसिटीज में होगा और एस्कोमाइसिटीज में होगा। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज भी एस्कोमाइसिटीज में होगा और बेसिडोमाइसिटीज में होगा। एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो है एस्कोकार्प, बेसिडोमाइसिटीज के अंदर बेसिडोकार्प, फाइकोमाइसिटीज के अंदर एब्सेंट है और ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर भी एब्सेंट है। एग्जाम्पल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइकोमाइसिटीज का जो एग्जाम्पल दे रखा है म्यूकर, राइजोप्स, एल्बिगो। राइजोप्स जो हो गया ब्रेड मोल्ड यानी कि जो ब्रेड पे होते हैं ना वो राइजोप्स हैं। एल्बिगो ये जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं यानी कि जैसे एल्बिगो है ये ऑब्लिगेट ऑन मोस्टॉड, एल्बिगो जो है ये बस मोस्टॉड पे ही होगा इसीलिए ऑब्लिगेट इन नेचर होता है। और कहाँ पे ग्रो करेगा तो डिकेइंग वुड पे, मॉइस्ट और डैम्प प्लेस पे, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पूछ का विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है फाइकोमाइसिटीज ही होता है, इसको बोलते हैं अलगल फंगी और कंजुगेट फंगी। दूसरा जो है एस्कोमाइसिटीज का है पेनिसिलियम, पूछ देगा कौन सा ऐसा फंगी है जो कि यूनिसेलुलर है, तो ईस्ट, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगी है एकलौता। फिर कॉप्रोफिलस यानी कि जो डंग पे ग्रो करते हैं, गोबर पे जो ग्रो करते हैं इसको बोलते हैं कॉप्रोफिलस। एस्परजिलस, ये सारे हैं एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम, ईस्ट, कॉप्रोफिलस, एस्परजिलस, क्लेविशेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कौन सा ऐसा फंगी है जिसको यूज़ करते हैं हम लोग जेनेटिक वर्क में मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो न्यूरोस्पोरा। फिर कौन सा ऐसा फंगी है जो कि एडिबल है जिसको हम खा सकते हैं, तो मोरल्स एंड ट्रूफल्स। फिर बेसिडोमाइसिटीज का बस तीन चार एग्जाम्पल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला है मशरूम एग्रिकस, जो स्मॉट कॉज करता है ऑस्टिलागो, जो रस्ट कॉज करता है पक्सिनिया, और इसका दो और एग्जाम्पल है ब्रैकेट फंगी और पुफ बॉल। फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज एग्जाम्पल है अल्टरनेडिया, कोलेक्ट्रोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, और जो एक अदर नेम है फाइकोमाइसिटीज का ये है अलगल फंगी एंड कंजुगेट फंगी। अगर पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलगल फंगी, तो फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं अलगल फंगी और कंजुगेट फंगी क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज कुछ एल्गी से रिलेटेड है। एस्कोमाइसिटीज का जो है वो है सिक फंगी। बेसिडोमाइसिटीज का है क्लॉफ फंगी, और ड्यूट्रोमाइसिटीज का फंगी इम्परफेक्ट बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ये थे पूरे जितने भी क्लासेस हैं चारों फंगी के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये उनकी पूरा क्लासिफिकेशन एक टेबलेट फॉर्म में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा।